पंजाब को लेके कि पंजाब का मुहूर्त होने वाला है, तो बीजेपी इससे ज्यादा खराब हो गई, निकासी कम हो गई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाज की नजर, मैं हूं आपके साथ राजीव। इस समय है सरोजिनी कोल्ड स्टोरेज गोवर्धनी तराय पे। अगर बात की जाए तो कन्नौज और गोवर्धनी तराय में ज्यादा दूरी नहीं, 4-5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हमारे साथ अनुभवी व्यापारी है जिन्होंने, हम लोगों की बातचीत चल रही थी पंजाब पे चर्चा को लेकर कि ऊना और होशियारपुर का उद्घाटन कब से होगा, मतलब शुभ मुहूर्त कब से होगा, कब से ऊना और होशियारपुर का आलू आएगा, तो इस पे भी चर्चा होगी। और कन्नौज की क्या पोजीशन है और कन्नौज में क्या लग रहा है, कब तक भरपूर मात्रा में आलू आएगा, क्या कोल्डों में जो आलू बचा है वो निकलेगा या नहीं निकलेगा, भाव का रेट तो हम लोग लगातार बताते रहते हैं क्या स्थिति है फिलहाल में, भाव की अगर बात की जाए तो भाव पे भी चर्चा होगी। तो बातचीत करते हैं नेताजी से। नेताजी नाम बताइए अपना, नाम क्या है? जहीर अहमद। अगर बात की जाए, हम लोग जैसा की बात कर रहे थे पंजाब को लेके कि पंजाब का मुहूर्त होने वाला है, तो क्या होशियारपुर 1 तारीख से मुहूर्त होगी और 10 तारीख के लगभग सभी मंडियों में सभी जगह आलू निकलने लगे। तो अगर बात की जाए आप लोगों में तो बातचीत होती रहेगी, तो पंजाब में क्या पिछली बार जितना आलू आएगा या थोड़ा कम आएगा, क्या मात्रा लगा? नहीं, पंजाब में कम नहीं, पिछली बार से ज्यादा है, कम नहीं है। और पंजाब भी अच्छी है, फसल भी अच्छी हुई है। वहाँ पे जो लोग पहुँच रहे हैं, वहाँ की जो न्यूज मिल रही है उससे ये बोल रहे हैं 10 तारीख से सारी मंडियों में आलू आने लगेगा पंजाब का, और आलू भी अच्छा है, कोई रोग नहीं है। पंजाब का अगर आएगा तो फिर कोल्ड वाला आलू डाउन होगा? कोल्ड के आलू की पोजीशन डाउन होने लगी है, डाउन नहीं होगा, होने लगी। हाँ, गोल आलू की कीमत ज्यादा कम है, हाईलैंड तो लगभग वही चल रहा है। हाँ, हाईलैंड में थोड़ा दबाव है, बीजे की स्थिति ज्यादा खराब हो गई। गोल और सफेद में सबसे ज्यादा जो पोजीशन नीचे आई है वो गोल और सफेद की। गोल और सफेद, सफेद अगर बात की जाए तो हाइब्रिड आलू जो भी आलू आते हैं उनका कोई भाव नहीं रहा है? कोई भाव नहीं, जो भाव बिक जाए वही समझो। बिल्कुल मिला के एक बात और भी है, किसान भाइयों से एक निवेदन और भी है कि इस बार जो किसान भाई आलू उगाने तो हाइब्रिड आलू की तरफ थोड़ा ध्यान कम दें, क्योंकि हाइब्रिड का भाव कभी मिलता नहीं है, कभी नहीं मिलता, लास्ट में कभी नहीं मिला। पहले गड़ाई अड़ाई में बिकता भी है, पूर्वांचल चालू हो जाता पहली बार तो लोकल में लेने लगते है, यहाँ लेने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती उनको। अच्छा, अपने कोल्डों की अगर बात की जाए तो कोल्डों में निकासी वगैरह क्या अनुमान अपने क्षेत्र में? निकासी कम हो गई है, बाजारों की पोजीशन नहीं ठीक है, इसलिए दबाव है बाजारों में, उठान नहीं है, इसलिए निकासी भी कम हो गई। तो अनुमान किया जाए तो इस समय क्या पोजीशन, कितना कितना कोल्ड रूम भंडारण है आपके? कोल्ड रूम कितना ऐसा है जिसमें 2 लाख है उसमें 40,000 के लगभग, कम है तो 25-30 है, ज्यादा वालों में 40-50 है। 1 लाख में अगर तुलना की जाए, 1 लाख की कैपेसिटी है तो उसमें 10 से 15-20 हजार तक बोरी है, तो क्या लग रहा है वो आलू इस नवम्बर के महीने तक लास्ट तक निपटने का चांस है क्या? नहीं निकल पाएगी नवम्बर में, नहीं निकल पाएगी, दिसंबर तक निकलेगी। दिसंबर में तो अपने यहाँ लोकल का कच्ची मात्रा जो आलू भरपूर मात्रा में आने लगे, भरपूर आने लगेगी, लेकिन पिछली साल की जगह कम है, कम नया आलू कम है, नया आलू कम। तो क्या उम्मीद लग रही है, कुछ उम्मीद बनेगी आगे चल के? बिकता रहेगा, कम ज्यादा में बिकता रहेगा, फिकेगा नहीं। तो कुल मिला के कम ज्यादा में बिकता रहेगा और फिकेगा नहीं, वही स्थिति है। तो दद्दा भी दद्दा का आप इसी क्षेत्र के हैं, कहीं बाहर के हैं? हाँ, ये कोल्हापुर के हैं। कोल्हापुर के हैं, तो आलू वगैरह तो गाड़ते ही होंगे? हाँ, आलू गाड़े। तो इस बार पिछली बार ही इतना गाड़ा कि कम गाड़ा है? थोड़ा कम है। कितनों तक लगा कम कर दो? 2 बीघा। किसका कारण का रोको अगर बात मानी जाए? गेहूँ करिए, गेहूँ करेंगे। तो कुल मिला के अगर बात की जाए तो कारण एक ही है कि गेहूँ करेंगे, आलू में इस बार थोड़ा अच्छा मिल नहीं पाया किसानों को जो उम्मीद थी। तो आपको यह कौन सा क्षेत्र है? हमारा गंगावाड़ पड़ता है। गंगावाड़ कौन गाँव है? श्रीमऊ। श्रीमऊ, तो श्रीमऊ क्षेत्र में तो आपके आलू वगैरह खूब होता है, अच्छी मात्रा हम लोग का देखो। अच्छा होता, बढ़िया होता। तो इस बार अपने क्षेत्र में क्या पोजिशन कराएगा? थोड़ा कम है, इस बार थोड़ा बहुत मामूली कम है फिलहाल, कढ़ाई हो रही है, अच्छी हो रही है, लेकिन थोड़ा माम 10% कम है। 10% तो अपने यहाँ तो वैसे हम लोग गए थे तो हाईलैंड और कंचन वगैरह में देखा जाना आलू, आप बस हाईलैंड कंचन अलावा दूसरा नहीं होता, सफेद बहुत कम होता है। कच्ची वगैरह तो आप लोग करते नहीं? कच्ची बहुत कम, ऐसे बहुत थोड़ी बहुत, बीघे दो बीघे हो, बीघा दो बीघा। तो क्या आप अगर अपने व्यक्तिगत तौर पर अनुमान करें तो क्या अनुमान लग रहा है? आप तो किसान है, क्या कुछ बनेगा मखेल? देखो क्या, अपना आलू अपना कोल्ड भाई आपने बेच दिया, हमारा बेच दिया सब कोल्ड, एक भी नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो भैया है, भैया का आलू एक भी नहीं बचा। और अगर बात की जाए तो इस क्षेत्र में निकासी लगभग में अनुमान अगर लगाया जाए तो लास्ट इस महीने तक लगभग 1 लाख की कैपेसिटी है, तो उस कोल्ड में मानिए कि 15,000 बोरी के आसपास रह जाएगी, और अगर 2 लाख की कैपेसिटी है तो 30,000 बोरी का रेशियो मान के चलिए। तो वही स्थिति है, नवम्बर का महीना, जैसा कि हम लोग अपडेट देते रहे कि ऊना होशियारपुर का लेट आए, लेकिन जैसा कि व्यापारी महोदय बता रहे हैं कि 1 नवम्बर को शुभ मुहूर्त हो जाएगा, 10 नवम्बर के आसपास आलू आना मार्केट में अच्छी मात्रा में चालू हो जाएगा। तो वही स्थिति है, और जो भी अपडेट होगा वो उसका भी अपडेट हम आपको देने का प्रयास करेंगे।